नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने निष्कासन का लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के खिलाफ बार बार बयानबाजी कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के लिए यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर को लेकर भाजपा का समर्थन किया था। वे 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। इसके अलावा उन्होंने 19 फरवरी को संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को आमंत्रित किया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम की गिनती यूपी में कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। वह 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2014 में वे संभल और 2019 में लखनऊ में उन्होंने चुनाव लड़ा था। कहा जाता है कि राम मंदिर निर्माण के सपोर्ट में प्रमोद कृष्णम ही कांग्रेस में सबसे आगे रहे। राजनीति से ज़्यादा इनकी कल्कि पीठ की चर्चा होती है जो इन्होंने अपने गांव में बनाई है। जी हां, डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। आचार्य प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित, लगातार पार्टी के खिलाफ कर रहे थे बयानबाजी।